देर इज ओनली वन फोर्थ जनरेशन डायनेस्ट और डायनेस्टी का मतलब सिर्फ फोर्थ जनरेशन नहीं ऐसा नहीं है डायनेस्टी का मतलब है यू आर गिविंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज की मेरिटोरियस सिस्टम नहीं रहा आपका मैं आपको बताता हूं इसमें अब वही है ना कि मैं हर जगह एक ही बार बुलाया जाता बट <laughs> ठीक <laughs> <laughs> है अब यहां पर पता नहीं आप मुझे दोबारा बुलाइएंगे तो डिपेंड करता है रेट पड़ेगी आते नहीं तो मेरे एक बड़े अच्छे <coughs> मित्र हैं राज्यसभा के बीजेपी के एम पी भी अभी भी मित्र हैं वो मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू वेरी नाइस जेंटल पर्सन ही ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस जिसका टाइटल था डायनेस्टी डाइनेस्टीस कर्ज ओके और आइडिया था कि कांग्रेस वालों को खूब पिटाई करेंगे उनकी वो जायज़ भी है <coughs> और आई थिंक फदनवीस जी आए थे लैम्प को उन्होंने लाइट किया वो सब था मेरी टर्न आई मेरे को भी टॉक देनी थी तो मैंने सबसे पहले फतनवीस जी का नाम लिया है, वो ठीक है उसके बाद एम पी और नाम लिया जो कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी वो बंद कर थी। <laughs> तो सर ऑप्शन क्या बचता फिर पर मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। ये एक सवाल पूछता हूँ और मुझे लगता है कि बीजेपी में इतना ये वाला वर्जन हो गया परिवारवाद का सवाल उठाने का मतलब नहीं बनता है नहीं बनता क्योंकि आधे तो कांग्रेस से आ गए अभी जो लिए थे ट्वेंटी थर्टी परसेंट ऑफ आर कांग्रेस डायनेस तो इसमें पॉलिटिशियन घबराता क्यों है अब आप ले रहे हो आपको क्या लगता है कि लोगों को नहीं पता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या और इतने सारे hmm. तो आ, वो डायन मतलब डू यू फील पीपल आर इग्नोरेंट मे बी यू डू बट देन यू रॉन्ग सो एक सवाल वो हो गया ऐसे बहुत सारे हैं नुपुर के केस में मैं डेफिनेटली hmm. पूछता आई वॉज वेरी वेरी एंग्री कि मैंने कहा कि दिस वॉज वन थिंग डेढ़ मिलियन दो मिलियन की पॉपुलेशन की कंट्री के सामने आप झुक गए हैं वो कतार से अपोलोजी या जो भी था ठीक hmm. है और आपकी अपनी ही जिसने सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर को कोट किया है मैंने कोट किया हुआ है बाय द वे वो अच्छा यस दैट ट्वीट स्टिल एग्जिस्ट आई रिफ्यूज टू डिलीट इट सर तन से जुदा कर दो कुछ भी तो या तो धमकी तो, तो मिली होगी आपको ऑफ कोर्स बट या तो कह दो कि ये गलत है कह दो गलत है मतलब कल को क्या होगा कि आप कोर्ट भी नहीं कर सकते स्क्रिप्चर देन it's exposing you. it's not exposing me. you know, that's why, why na. No? phobia, what fear na? Right? Phobia. Mm. islamophobia, the person who fears islam. you know, of mm. are islamophobic. they fear people knowing the truth about their own scriptures. Why? shouldn't you be proud of it? question is you're not. exactly, they are not. so that's the hypocrisy. Mm. अगर आप प्राउड होते तो कहते कि हाँ भाई बोलो इसको सो दैट इज क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे अभी एफ सी आर मैंने एफ सी आर एमेंडमेंट का लिया वो मैं पूछता कि आप करप्शन करप्शन की बात कर रहे हैं मोदी जी आपने तो एफ सी आर एक्ट को अमेंड कर दिया कि कि आप बच जाए इस पर क्या जवाब देते वो चुप होते एस सी एस टी एक्ट का पूछता मैं उनसे एस सी एस टी एक्ट पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि इसकी जो ड्रेकोनियन प्रोविजन हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो वो हम नहीं होने देंगे जो एस सी एस टी एक्ट में नए प्रोविजन लाए तो इसमें आप हिपोक्रेसी देखिए पूरे सबकी सो दिस द ओनली इंस्टेंस वेयर मोदी हैज ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मोदी ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सो मोदी वेनी से इसकी सर्वोपरि है मैंने आज तक नहीं किया वो मैं पूछता कि आपने ये किया है hmm. और अपोजिशन जो कहता रहता है कि मोदी ने सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट राहुल कहता रहता है सुप्रीम कोर्ट हैज बिन कॉम्प्रोमाइज इज ओवरटर्निंग ये जो ओवरटर्न करी ना मोदी ने जजमेंट सपोर्ट किसने किया इसमें पार्लियामेंट में आई आस्क यू टू आंसर आई डोंट नो कांग्रेस कांग्रेस ने सपोर्ट किया yes. क्योंकि वोट बैंक है उनका सो एवरी वन सपोर्टेड दर्निंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और फिर आप कहते हैं कि मैं को ट्रस्ट करूं? ये तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मुझे तो बड़ी हैरानी ठीक है।, ये, ये है, है।, है दूसरा जो ये uh, 2611 जो हुआ था हम कांग्रेस को uh, गाली देते हैं उस पर मैंने आपको दो तीन ऑलरेडी केसेस बताए बॉम्बिंग करी टेरर टारगेट्स ये वो आरएसएस की साजिश थी ये कहा कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने कहा यू you नो know, सैफरन टेरर कॉइन किया था कांग्रेस का वो था तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने ये कहा था आर एस है ट्वेंटी सिक्स इलेवन जिन्होंने सैफरन टेरर कॉइन किया था उनको आपने बीजेपी में क्यों ले लिया कृपा शंकर अभी तो वो बीजेपी की तरफ से लड़े इस पे मोदी जी क्या कहते ये सवाल और क्या सवाल था हाँ अभी ये बहुत चला था ये जब इलेक्शन में मोदी जी ने नहीं कहा था घुस मतलब मुस्लिम रिजर्वेशन्स पे बहुत चला था राइट ब्लैंकेट रिजर्वेशन्स आपको पता है कि पंद्रह साल से कर्नाटका में बीजेपी की सरकार दो बार थी सेंटर uh, की सरकार दस साल थी ओनली इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बोमाई स्क्रैप दिस फोर परसेंट ब्लैंकेट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम अंडर ओबीसी कोटा उन्नीस से कर्नाटका में ब्लैंकेट मुस्लिम्स को चार परसेंट कोटा मिल रहा था तो मैं उनसे पूछता भाई आप ये नहीं चाह रहे हो और पंद्रह साल से आपके राज में मिल रहा था ये सवाल आ, हाँ यूसी पे ऐसे अब मतलब आप तो गई आप जे ज्वाइन कर लीजिए ये मतलब आप देर इज नो वे आप, आपका बचना तो नामुमकिन है ठीक है बारह मुल्कों की पुलिस अब आपको ढूंढ ढूंढ रही है मैं तो आपका नाम लेके बच भी नहीं सकती हूँ वो भी देखो ओनर भी हंस रहे हो कह रहे बारह नहीं सर तेरह मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है बांग्लादेश वाले भी आ रहे हैं यूसी मोदी सी बिगेस्ट वोटरी ऑफ यू सी सी सपोर्ट मोदी ऑन दिस यूसी का फुल फॉर्म क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है सामान सबके लिए समान उत्तराखंड में यूसी आए हैं ठीक है उनके कह देंगे कि विपक्ष वाले सवाल पूछ रहे hmm. यूनिफॉर्म देख तो आपने, no आपने खुद ही बता दी नंबर टू मुस्लिम एक कम्युनिटी को एग्जेम्ट कर दिया आप हमें क्यों नहीं एग्जेम कर रहे हो उनको तो एक वेपन मिल गया वो तो कोर्ट से जाएंगे वाई देर्ट वाई डिड यू एक्सेप्ट यूसीसी इन उत्तराखंड दे हैव एग्जेप्टेड कम्युनिटी जायज है ये तो मतलब सबसे बड़ा बिकॉज दिस वॉज द थिंग दैट एक्चुअली एंडियर्ड मी टू नरेंद्र मोदी जी अब मोदी जी ये पता देख रहे होंगे डेफिनेटली देख रहे होंगे मोदी जी देखिए इस पर आप बुरा माने ना माने थोड़ा सा हंस दे ठहाके मार के बट आपने 2013 में एक स्टेटमेंट मारी थी एंड डियर मी टू यू ऑनेस्टली आपने कहा था अ गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस ये कहा था उन्होंने ये 2017 में रिपीट करी 2019 में रिपीट करी उन्होंने तीन चार बार ये कह चुके हैं मैंने कहा था हेर इज अ लीडर हु हैज सेड वॉट नीड्स टू बी सेड सत्तर साल से हम तरस गए सुनने के लिए गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं होनी चाहिए जिस जिस सरकार ने गवर्नमेंट ने बिजनेस रन किया है वो या तो Cuba, Cuba, Union, ये करते हैं जो बैंक हो जाते हैं नहीं करना लेकिन पिछले दस साल में ऑल वॉट मोदी इज डन इज टू बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस वी हैव एटीन हंड्रेड एंड थर्टी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फोर हंड्रेड ऑफ आर नॉन फंक्शनल काम नहीं कर रहे हैं वो लेकिन टेन्स ऑफ थाउजेंस ऑफ अवर मनी इज गोइंग गवर्नमेंट रनिंग बिजनेसिस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंगली रनिंग बिजनेस नाइन लैक करोर्स ऑफ अवर एनुअल एलोकेशन बजट एलोकेशन ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ अवर एनुअल बजट एलोकेशन गोज इन प्रॉपिंग ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर यूनिट सो यू नो पांच सौ होटल्स चला रहे हैं सरकार सरकार का काम है होटल चलाना स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एच पता नहीं अभी चल रही कि नहीं चल रही जो भी है मिक्सर ग्राइंडर घड़ी शर्ट कमीज पैंट मतलब क्या चल रहा है ये देश में वाई आर यू रनिंग बिजनेस यू नो यू यू कांट रन और जितने भी ये जो नौ दस हैं अठारह सौ में से जो कि प्रॉफिट कमा रहे हैं hmm. वो ठीक है प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अगर वो प्राइवेट हैंड्स में होते दे वुड हैव बीन अर्निंग हंड्रेड टाइम्स मोर ये भी तो सोचो ना तो अब क्या प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर हैं 100% लेकिन पिछले 10 साल में अदर देन एयर इंडिया नॉट वन एंटिटी हैज बीन प्राइवेटाइज्ड लेकिन और डिसइनवेस्टमेंट जो हुआ है वो भी स्लाइट ऑफ हैंड्स देखिए एक पब्लिक सेक्टर यूनिट से डिसइनवेस्टमेंट होता है और दूसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट खरीद लेता है उसको इधर से फैमिली सिल्वर यहाँ जा रही है एल आई सी सोच रहा है यार मुझे क्यों तोड़ते हो <laughs> कोल इंडिया को डिसइनवेस्ट किया सारा मैं खरीद रहा हूँ यार शेयर भाई क्या करो कुछ तो रहम करो मोदी जी